दादी जी। अरे यार दादी जी तो बाहर गई हुई हैं। हेलो हेलो श्रीकांत जी हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं अनवर बोल रहा हूँ। अनवर अंकल मतलब सुकून के पापा? राज बेटा यही मौका है पटा ले अंकल को। हेलो अंकल मैं राज बोल रहा हूँ, मैं श्रीकांत अंकल के यहाँ पेंगेस रह रहा हूँ। आप मुझसे गार्डन में मिले थे ना अंकल, याद है आपको? हाँ राज, कैसे हो बेटा? अरे अंकल मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, इनफैक्ट कॉलेज में मैं हमेशा फर्स्ट क्लास ही आता हूँ अंकल। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ श्रीकांत जी कहाँ हैं? अंकल वो तो बाजार गए हुए हैं, और देखिए मैं घर पर बिल्कुल अकेला हूँ, पूरा घर मेरे सर पे छोड़ के रखा है। कितना ट्रस्ट करते हैं ना अंकल मुझ पर, अब देखिए क्या करूं, मुझे भी ख्याल रखना पड़ता है घर का। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंकल एक प्रॉब्लम है, कल से जो है ना मैं इस घर का ख्याल रख नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे एक जॉब मिल रहा है। अंकल आप गेस करिए जरा मुझे कहां जॉब मिल रहा होगा। भाई मैं कैसे गेस कर सकता हूँ? अरे अंकल आप कोशिश तो कीजिए। टाटा या बिरला के पास? अरे नहीं नहीं अंकल आप मजाक कर रहे हैं। अरे नहीं भाई मैं क्यों मजाक कर रहा हूँ। अरे अंकल मैं आपके दोस्त संधू जी से मिलने जा रहा हूँ, दादाजी ने उनसे बात कर ली है और अब मैं बेरोजगार नहीं रहूंगा अंकल, अब मुझे जॉब मिल रही है। आप समझ रहे हैं ना अंकल मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बेटा मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में सबसे होनहार लड़के आप ही हैं, लेकिन ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अंकल वो भी एक ना एक दिन समझ जाएंगे। क्या मतलब? I mean, अंकल एक ना एक दिन आप जान ही जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा अब मैं फोन रखूं? Have a nice day, uncle. You too, बेटा. Bye, uncle. Yes. अब मैं सुकून को बताऊंगा कि मैंने उसके डैडी पे क्या इम्प्रेशन जमाया है। वो भी सोच रहे होंगे कि कितना होनहार लड़का है, कितना प्यारा बच्चा है, कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है। कितनी फालतू बातें करता है लड़का। प्रियंका प्रियंका उठो ना, प्रियंका देखो सुबह हो गई है, उठो ना प्रियंका प्लीज। लगता है कल की डांट का नशा अब तक उतरा ही नहीं है। देख पहले संध्या दीदी मुझे उठाती थी और अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे उठाने के लिए, लेकिन ये तो उल्टा ही हुआ। चल छोड़ अभी उठ ना। सपना यार चुप ना, क्यों इरिटेट कर रही है? क्या करूंगी मैं उठ के, फिर वही एडवाइस, फिर वही बहस, I'm sick of it यार। तू तो सच में बदल गई है, पहले तो तू झट से उठ के मेरे से पिलो फाइटिंग करती थी, चल ना उठ ना। सपना वो सब एक बचपना था यार जिसे खत्म हुए एक अरसा हो गया है। हाँ ये बात अलग है कि इस बात का एहसास मुझे अभी हुआ है। तू हमेशा अपने बारे में क्यों सोचते रहती है? अरे कभी तो दूसरों के बारे में सोच। चल अभी उठ उठ, मैं बोल रही हूँ ना उठ। स्टॉप इट सपना, तुझे एक बार बोलो तो पता नहीं चलता है क्यों मेरे पीछे पड़ी है। जस्ट गेट आउट ऑफ माय लाइफ एंड गेट आउट ऑफ हियर यार। यू वांट मी टू गेट आउट फ्रॉम योर लाइफ? ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझसे भी कुछ उम्मीद मत करना कि मैं तेरा कभी दर्द समझूंगी। ठीक है मैं समझ लूंगी कि मेरे पास बस एक ही सिस्टर थी और वो भी संध्या दीदी, उसकी शादी हो गई है। You don't think that your sister exists anymore. You're no longer my sister. Stay away from me. मैं जा रही हूँ। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी इसके साथ। ये तेरी सजा है अपने माँ बाप से प्रियंका की बातें छुपाने की। कल तक तू उसकी राजदार बनी हुई थी ना, आज वही तुझे दुत्कार के अपनी जिंदगी से बाहर जाने को कह रही है। मम्मी, she's so mean. मैंने तो उसे मुझे प्यार से उठाया था। खुश होना प्रियंका, हर एक वही तो है जो तुम्हें हमसे बेहतर समझती है, तुम्हारे साथ दिन रात रहती है और तुम उसे अपनी जिंदगी से बाहर जाने को कह रही हो। ये जो एक अनदेखी दीवार तुम अपने इर्द गिर्द बना रही हो ना, ये तुम्हें प्राइवेसी नहीं दे रही, तुम्हें तुम्हारे अपनों से अलग कर रही है। हर एक दिन तुम्हें अपने अकेलेपन के साथ कैद कर देगी ये। चलो सपना छोड़ दो इसे अपने हाल पर। सपना I'm sorry यार, प्लीज अपने बहन को माफ कर दे, तुझे तो पता है ना what I'm going through, ये सब मैं जानबूझकर नहीं करती, हो जाता है, प्लीज अंडरस्टैंड मी। ठीक है
लेकिन आगे से मत करना वरना मैं मारूंगी। I won't, I promise. I love you. Love you too. चलो मुझे खुशी है कि कम से कम तुम्हें अपनी एक गलती का एहसास तो हुआ। मम्मी मुझसे सिर्फ एक ही गलती हुई है कि मैंने सपना को हर्ट किया और मैं कुछ गलत नहीं कर रही। यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है, अरे तो फिर है कहां? मैंने कहा जी वो कब रखी थी कहां रखी थी कुछ तो बता दो। क्या ढूंढ रहे हो? छड़ी। छड़ी? कैसी छड़ी? अजी एक ही छड़ी है मेरे पास, उसी को ढूंढ रहा हूं। ऐसे बता रहे हो जैसे छड़ी मैंने देखी ही नहीं। मैं ये पूछ रही हूं कि आपको छड़ी की क्या जरूरत पड़ गई? मैम साहब कभी कभी सहारे की जरूरत पड़ जाती है। जिनके पास कोई सहारा ना हो वो जवानी में भी छड़ी के सहारे चलने पर मजबूर होते हैं, मगर आपके पास तो सहारा है। अजी पर क्या करूं, मेरा सहारा भी तो मेरी तरह बूढ़ा हो चुका है। मैं अपनी नहीं राज की बात कर रही हूँ। राज भी तो आपका सहारा है। आपका ही क्यों, मेरा भी तो सहारा है। उसके आने से ऐसा लगता है जैसे करण मेरे पास ही है। देखो मैं राज को एक बेजान लकड़ी नहीं समझ सकता, वो एक इंसान है, जज्बाती है, उसका भी दिल है और उसके दिल में सुकून है। मैं जब भी ये बात सोचती हूँ परेशान हो जाती हूँ। अगर वो हमारे इतने करीब ना होता तो मैं उसे सुकून की जिंदगी से चले जाने को कहती। क्यों? तुम ऐसा क्यों करती? जो रिश्ते जुड़ने से पहले ही मुसीबतों को दावत देने वाले हों ऐसे रिश्ते ना जुड़े तो ही बेहतर है। देखिए आप किसी के रिश्ते पर अपनी सोच का बोझ मत डालिए। जिन्हें सोचने का हक है उन्हें सोचने दीजिए और वही सोच समझ कर इसका फैसला करेंगे। फैसला तो दूर की बात है, अभी तक तो अनवर और अस्मा को पता ही नहीं कि उनकी बेटी राज नाम के किसी लड़के को चाहने लगी है। मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैंने अस्मा को इस बारे में बताया तक नहीं। देखो भगवान दिल को हल्का रखोगी तो ज्यादा जियोगी। चिंता से इंसान की उम्र कम होती है क्योंकि दिल पे बोझ पड़ता है, और या फिर ये है उस चिंता का इलाज कर लिया जाए। और वैसे भी तेरे मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो उनकी किस्मत में लिखा होगा। संध्या। अरे तुम ऑफिस से कब आए? बस अभी, जब तुम्हारी आंखों ने मुझे देखा। अच्छा, जब तुम मेरी आंखों से दूर होती हो ना तो मैं बस आंखें बंद करके तुम्हें देखता रहता हूँ। ओहो इसका मतलब है जनाब आज सारा दिन ऑफिस में बैठकर सो रहे थे। जी नहीं, जागती आंखों से एक सपना देख रहा था। सपना? कैसा सपना? तुम्हें एक खूबसूरत सी साड़ी देने का सपना, ये रही। ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो? नहीं नहीं अपने लिए लेकर आया हूँ। बताओ पहनकर कैसा लगूंगा? कैसी अजीब सी बातें करती हो तुम। थैंक्स यार। नहीं मैं तुम्हारा थैंक्स तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम मेरी गिफ्ट एक्सेप्ट करोगी। मैंने आपकी गिफ्ट एक्सेप्ट की। इट्स रियली ब्यूटीफुल। व्हाट इज सो ब्यूटीफुल? जरा हम भी तो देखें। ये क्या बात हुई, वादा किया अपनी भाभी से साड़ी लाने का और लेकर आए अपनी पत्नी के लिए? नहीं भाभी, असल में बात क्या है ना कि ये साड़ी आपके लिए ही लेकर आए हैं। आप मुझसे तो पूछ रहे थे कि पता नहीं भाभी को ये साड़ी पसंद भी आएगी या नहीं। आप ये रख लीजिए, मेरे लिए भी साड़ी लाए हैं लेकिन वो कबर्ड में रखी है। आकाश क्या ये सच कह रही है? हाँ बिल्कुल सच कह रही है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे लिए साड़ी लाना आप याद भी रखोगे। थैंक यू वेरी मच देवर जी, क्या मैं इसे ले जाऊँ? हाँ भाभी ले जाइए, आप ही की साड़ी है। मगर नहीं कुछ नहीं आकाश। भाभी अगर आपको ये साड़ी पसंद नहीं है तो आप मेरी कोई साड़ी ले लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, इससे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकती। मैं अब भी विकास को दिखा कर आती हूँ। ओके? ये क्या किया तुमने? तुम्हारा वादा पूरा किया। मेरा वादा? और नहीं तो क्या,
तुमने भाभी से प्रॉमिस किया था ना कि उनके लिए साड़ी लेकर आओगे, तो लाई क्यों नहीं? एक साड़ी लेके आए, दो ले आते। भाई मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया। संध्या तुम कितनी अच्छी हो, मेरी इज्जत के लिए तुमने अपनी खुशी किसी और को दे दी। आकाश तुम्हारी इज्जत से ज्यादा और खुशी कोई हो सकती है मेरे लिए? अब बादशाह आपकी टिकटें रेडी हैं, इस वक्त मेरे सामने पड़ी हैं। हाँ फटाफट भिजवा देता हूं जी। और महाराज अभी ये कहना तो मुश्किल है कि कितनी देर में पहुंचेंगी, ये तो बॉम्बे के ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। यहां से दिल्ली जहाज कितनी देर में पहुंचेगा ये मैं बता सकता हूं, लेकिन हमारा आदमी चर्च गेट कितनी देर पहुंचेगा ये तो कहना मुश्किल है सर। आप फिक्र मत, आप बैठ जाओ। और नहीं जी नहीं, आपको नहीं बोला। ओए आप तो खड़े रहिए बेशक, और बैठ जाए यार। हाँ जी हाँ जी, और मैं क्या जी जितना जल्दी होता है पहुंचा देता हूं। ओके। अरे यार चर्च गेट की फ्लाइट तो शुरू नहीं हुई, नहीं तो जहाज में पहुंचा देता। कौन? जी मैं राज, श्रीकांत जी ने। ओ हाँ हाँ, मैं भी कहूं तेरी शक्ल बहुत जानी पहचानी लगती है, तू ही आया था ना श्रीकांत जी के साथ जॉगिंग करने? हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, श्रीकांत जी ने टेलीफोन भी किया था। मैं भी कमाल है यार, मेरे दिमाग से ही निकल गया। जी कोई बात नहीं, आपने मुझे पहचान लिया, मेरे लिए तो यही बहुत है, नहीं तो मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे देता आपको। और तेरा नाम ही काफी है राज, वो आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, आप मेरा इंटरव्यू लिए बिना ही मुझे नौकरी दे देंगे? और कौन सी नौकरी, कौन सा इंटरव्यू? जी श्रीकांत जी ने आपको बताया होगा कि मुझे नौकरी की जरूरत है। नहीं तो ये कैसे हो सकता है? ओए वो क्या बड़बड़ कर रहा है तू? देखिए मैं तो यहाँ बड़ी उम्मीद लेकर आया था। उम्मीद लेकर आया था तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी यहाँ छोड़ जा, थोड़ी सी वापस ले जा, जाके श्रीकांत जी को दे देना। देखिए लगता है कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि मुझे दादाजी बता रहे थे कि आपकी ट्रैवल एजेंसी में एक जगह खाली है, इसलिए मुझे लग रहा था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। खैर कोई बात नहीं जी, अब मैं चलता हूँ। रुको रुक, श्रीकांत जी तो कह रहे थे कि तू बड़ा मजाकिया किस्म का और हसमुख आदमी है, और तूने तो बड़ी जल्दी हथियार डाल दिए। इसका मतलब आप मजाक कर रहे थे राइट? बैठ जा। और मैं तो तेरी टांग खींच के देख रहा था कि तू कितना लंबा है। दादाजी बता रहे थे कि आप बहुत मजाक करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना भारी मजाक करेंगे, मैं तो डर ही गया था। ओए हमारे यार ने तुझे भेजा है, तेरा काम तो होना ही था, वो तो तुझे शक था और मैंने तेरे शक का फायदा उठाया। अब बोल काम करना है, इरादा पक्का है? अरे 100% अंकल 100%, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ओ वाह बच्चू, नौकरी मिली नहीं और तेरी शर्त पहले ही आ गई। और चल तू भी क्या याद करेगा, बोल क्या शर्त? आप इतना मजाक करते हैं तो मुझे भी थोड़ा मजाक करने देंगे। ओ मंजूरी। तेरी नौकरी पक्की। थैंक यू सो मच सर। अर्जू ये तू मुझे कहाँ ले आई? यहाँ कितनी शांति है ना सुबेर, ना तो यहाँ आते जाते लोगों का शोर है, ना वो सर पे खड़ा हुआ वेटर है, ना ही वो कॉफी के दो कप हैं जिन्हें हम रेस्टोरेंट में 2 घंटे में खत्म करते थे, और वहाँ का मैनेजर हमें हमेशा घूरता रहता था। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर एक चीज और है जो इस वक्त मेरे साथ है। मैं? बिल्कुल। जानते हो जब कोई लड़की किसी लड़के को ऐसी जगह पर लेकर आती है तो इसका मतलब होता है कि उसे अपने प्यार पर अपने से ज्यादा यकीन है, और मैं ऐसे ही मोड़ पर पहुंच चुकी हूं सुहेल। आरजू तुम इस रास्ते पर अकेली जा रही हो। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं इस रास्ते पर तो जरूर हूं, लेकिन उस मोड़ पर आने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, अगर हम दोनों हमेशा यूं ही साथ साथ रहेंगे ना तो मुझे पूरी उम्मीद है तुम भी जल्दी वहां पहुंच जाओगे जहां पर मैं हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या मतलब? मतलब ये
कि मैं सिर्फ तुम्हारी बनके रहना चाहती हूँ। लगता नहीं हमें यहां से चलना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? अर्जु, वो रेस्टोरेंट ही बेहतर है क्योंकि तुम वहां इस तरह की हरकतें नहीं करती। What? सुहेल, मैं अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ और तुम इसे ऐसी वैसी हरकतें बता रहे हो। वो तो है, लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा वक्त है। चलो चलते हैं। पुत्तू लवर। मामा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, इधर आओ। क्या हो गया? कभी कभी मेरे पास भी बैठा करो। कैसी बातें करती है मामा, ये तो आपका अधिकार है, आप तो मुझ पे हुक्म भी चला सकती हैं। नहीं बेटा, मैं अपनी प्यारी बहू पे हुक्म क्यों चलाऊंगी भला? ये तो उस सास को करना पड़ता है जिसकी बहू समझदार और सुशील नहीं होती, लेकिन तुम तो हो ना? मम्मी आप भी ना, ये तो आपकी अच्छाई है जो आप मुझे इतना प्यार करती हैं। नहीं बेटा, ये आपकी अच्छाइयां हैं जो मेरा प्यार हासिल कर लेती है। मैं समझी नहीं मामा। अब देखो, आकाश तुम्हारे लिए साड़ी लाया था ना, और वो साड़ी तुमने दे दी साक्षी को ये कहकर कि ये उसके लिए लाया। अब ये अच्छा ही नहीं है तो और क्या है? इसीलिए तुम्हें प्यार पाने का पूरा अधिकार है। मामा, आपसे ये बात किसने कही? आकाश ने? ओफो, उसे दोष मत दो। वो तो मैंने उससे बातों बातों में उगलवा ली थी जब वो साड़ी मैंने साक्षी के पास देखी तब। तो बेटा, तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। इन्हीं सब बातों से तो परिवार मिलजुल के रहता है ना? अच्छा मामा, अब आप आराम कीजिए, देखिए रात बहुत हो गई है। हाँ बेटा, और सुनो, ये बात आकाश को मत कहना कि मैंने तुम्हें बताई है। उसने मुझे मना किया था, जैसे तुमने उसे मना किया था ना मम्मी? चल अब तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे भाभी, क्या हुआ? दूसरों के नाम पे खरीदी हुई चीज मैं कभी नहीं पहनती, और मुझे आज पता चला तुम झूठ बहुत अच्छा बोल लेती हो। चलिए बुआ जी। हेलो, आदाब अनवर साहब, तारिक बोल रहा हूँ। आदाब तारिक साहब, कैसे हैं आप? ये तो आप भी समझ सकते हैं कि बेटी का बाप हूँ, जब तक वो आपके घर की जीनत नहीं बनेगी मैं कहाँ चैन से सो पाऊंगा। तारिक साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, खुदा ने चाहा तो आपकी नींदें जल्द लौट आएंगी, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये बात आप अपने तक ही रखेंगे कि आरजू बेटी को मैंने पसंद किया था, इसकी वजह भी मैं आपको बता चुका हूं। ये भी औलाद की बदकिस्मती है जो मां बाप के प्यार को नहीं समझ पाते। बहरहाल आप बेफिक्र रहें, मैंने तो ये बात अपने जहन से बिल्कुल निकाल ही दी है कि सुहेल का रिश्ता आपके जरिए आया है। शुक्रिया तारिक साहब, मैं आपका यह एहसान